हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। देखो, हमेशा ना हमें कहीं भी बाहर जाना होता है, हम हेवी मेकअप नहीं करके जा सकते। एंड मैं ये वाला मेकअप लुक हमेशा करके जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में आपका अच्छा वाला मेकअप लुक क्रिएट हो जाता है। एंड इट इज दिस मच ईजी, कोई भी अगर आपको मेकअप करना नहीं भी आता फिर भी आप करके जा सकते हो। और हमेशा मैं जब ये मेकअप करके जाती हूँ ना, तो देखने वाले बोलते हैं कि तुमने मेकअप कराया है या नेचुरली तुम्हारी स्किन ऐसी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल सीख लो, क्योंकि आपको भी बहुत काम में आने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, देन मैं हूँ शिवानी, ये है मेरा यूट्यूब चैनल कॉल्ड स्टनिंग मी। एंड यहाँ पर आपको मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, ब्लॉग्स, DIYs, फैशन टिप्स रिलेटेड सभी चीज़ें देखने में मिलेगी। सो इफ यू आर अ पर्सन हु लव टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज, देन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर ले। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, देन डू हिट द लाइक बटन। सो फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हम ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले एंड द इनिशियल स्टेप इज स्किन केयर। अगर आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेकअप कर रहे हो, तो वो वाला ग्लो आपके स्किन को नहीं मिलेगा। सो आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं पहले एक कोई सीरम या फिर ऑयल लगा लूँ, जिससे मेरे फेस पर प्रोटेक्टर का काम करे, वो एक बैरियर का काम करे। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस फसाली का 24 कैरेट गोल्ड फेशियल ऑयल। तो इससे क्या होगा कि फेस को एक बैरियर तो मिलेगा, एट द सेम टाइम मेकअप ना काफ़ी आपका स्किन बहुत हाइड्रेटिंग सा लगता है। एंड स्पेशली आज मैं ये जो मेकअप लुक आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए आपका स्किन कहीं ना कहीं अच्छा होना ज़रूरी है। एंड फॉर दैट आप मेरा जो स्किन केयर रूटीन है, जो अपडेटेड वाला, वो देख सकते हो। सो अब अगर आप बाहर जा रहे हो, तो आपको एक अच्छा सन प्रोटेक्टर लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं नहीं लगा रही हूँ, यहाँ डायरेक्ट मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। सो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ का एप्पल साइडर विनेगर वाला फेस मॉइस्चराइजर। पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि लगाने के बाद थोड़ा सा हमारे स्किन पे स्वेट आता है। आप प्लम का मैट फिनिश वाला होता है ना मॉइस्चराइजर, उसका यूज आप कर सकते हो। अब हमारा स्किन केयर रूटीन खत्म हो गया है, अब हम मेकअप की ओर प्रस्थान करेंगे। एंड अगर आपकी स्किन में थोड़े बहुत टेक्सचर है, उनको छुपाने के लिए आप कोई भी कंसीलर का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर LA Girl का जो प्रो कंसीलर होता है, उसको बहुत कम मात्रा में यूज करूंगी। जहाँ जहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत टेक्सचर्ड स्किन है, आपको ऐसा लगता है उनको छुपाना चाहिए, वाह वाह आप इनका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप कोई भी लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर सकते हो। हमको फाउंडेशन नहीं लगाना है, डायरेक्ट अच्छे वाले कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर की ओर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का ये जो बनाना पाउडर होता है, पर्सनली मुझे ये काफी अच्छा लगा। ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, एंड एट द सेम टाइम काम भी बहुत अच्छा करता है। सो तो मैं ये बनाना पाउडर इसके अंदर ले लूंगी एंड फिर अपने फेस पर इसको अप्लाई करूंगी। अब सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपके आईब्रोज को अच्छे से शेप देना। देखो, अगर आपके आईब्रोज अच्छे दिखेंगे ना, तो मैंने कई बार कहा है कि ऑटोमेटिकली आपका मेकअप भी अच्छा दिखने लगता है। तो मैं आईब्रो बनाने के लिए ना ऐसा एक ब्रश लेती हूँ एंड कोई भी काजल। काजल जो है ना, वो आपका स्मज होने वाला होना चाहिए, बिना स्मज हुए वाला नहीं लेना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट लेना है ब्रश में एंड आखिरी से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। कोन पहले बनाना है, देखो मैं यहां तक आकर स्टॉप हो गई और आगे मैं नहीं गई। अब मैं नीचे हल्के हाथों से एक लाइन बना रही हूँ, जहां से मेरे आईब्रोज स्टार्ट हो रहे हैं निकलना। एंड यहां से मैं इसको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही हूँ, ठीक है। बहुत हल्के हाथों से करना है, बी केयरफुल। एंड ये जो पार्ट होता है ना आपका, सबसे मेन होता है, ये ही नेचुरल लुक और डिफाइंड लुक में वेरी करता है। ओके, सो ब्रश को ऐसे सीधे तरीके से पकड़ना है और यहाँ नहीं आपको प्लेस करना, यहाँ आपको प्लेस करना है हाथों को और ऊपर की ओर ऐसे खींचना है।
बी केयरफुल ओके, बहुत हल्के हाथों से. ओके सो आई एम डन विथ माई आईब्रोज. नाउ विल प्रोसीड. एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आई डोंट नो आपको पसंद आएगा कि नहीं, बट मुझे ना थोड़े से आजकल चीक्स पर थोड़ा सा पिंकिश ग्लो अच्छा लगता है. एट द सेम टाइम इट लुक्स नेचुरल. यहाँ पर मैं कोई भी एक पिंकिश कलर का लिपस्टिक लेकर उसको यहाँ पर अपने चीक्स पर प्लेस करूंगी. बहुत ही हल्के हाथों से आपको यहाँ पर प्लेस करना है. ओके सो आपको लेना है एक ब्यूटी ब्लेंडर एंड धीरे धीरे उसको स्मच करना है ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल लुक लग सके. एंड ब्लश को सेट करने के लिए फिर से आप वो जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसको लेंगे एंड उसके ऊपर थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि आपका जो ब्लश है, आपके जो चीक्स है वो नेचुरल लग सके. एंड जो बाकी बेस है यहाँ पर डन हो चुका है. जो भी लोगों आईलाइनर ड्रॉ करना नहीं आता उनके लिए मैं कहूंगी कि एक अच्छा सा मस्कारा ले ले एंड अपने जो आईलिड्स होते हैं उनको थोड़ा सा वॉल्यूम प्रोवाइड करे, देन इट विल ऑटोमेटिकली लुक गुड. एंड जब आप मस्कारा लगा रहे हो तो सिर्फ आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, लैशेस के ऊपर थोड़ा सा इसको रब करना है ताकि एक्सेस जो अमाउंट है वो आपके लैशेस पे चिपक जाए. ऐसे इसको थोड़ा सा आंखों को ऐसे कर लेना है ताकि थोड़ा सा सरफेस हमें मिल सके एंड इसको ऐसे रब करना है. मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करना पसंद करती हूँ अपने फेस को, बट सभी जगह पर नहीं, थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज. बहुत ही हल्के हाथों से आपके चीक बोन पे, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाना है. और लास्ट में ये जो पफ होता है इससे थोड़ा सा आप स्प्रेड कर देंगे ताकि जो भी एक्सेस दिख रहा होगा वो सारी चीजें नेचुरल लग सके. अब मैं लिपस्टिक लगाकर आपसे मिलती हूँ. सो फाइनली पूरा लुक डन हो चुका है और आप देख ही सकते हो कि रिजल्ट कितना अच्छा आया है. अब आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, आप कर सकते हो या नहीं. जरूर इसको ट्राई करें. एंड ये वाला लुक ऐसा है ना कि इसको वेयर करके आप कहीं पर भी जा सकते हो, कोई भी आउटफिट वेयर करके जा सकते हो, है ना. सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर एंड लाइक दोनों करना. एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.